तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको भी ढेर सारी बधाइयां। हम लगातार बने हुए हैं, 5 बजे से आपको ये बता रहे हैं कि योग आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है, हिंदुस्तान के लिए कितना जरूरी है। और महाराष्ट्र के नांदेड़ में जहां स्वामी रामदेव पहुंचे हुए हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्टेज पर मौजूद है और सैकड़ों लोग उनके साथ योग कर रहे हैं, उसकी तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखकर सबीना मुस्कुराहट आपके चेहरे पर जरूर आ गई, क्योंकि ब्रेक में अक्षय की डिमांड है कि हम सब स्टूडियो में अपने योगाचार्य के साथ ये वाला योग जरूर करेंगे। क्योंकि आचार्य जी कहा जाता है कि योग जब आता है ना अक्षय, तो बड़ी गंभीरता आ जाती है चेहरे पर, पता नहीं कितना गंभीर तरीके से करना होगा, लेकिन कौन कहता है योग मुस्कुराते हुए भी किया जा सकता है। हम लोग ना लाफ्टर योगा भी कराते हैं, ना हास्य योग भी कराते हैं, वो हम जरूर करेंगे क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा वही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर ये जो खुशी है, ये खुशी किसी जंग जीतने की खुशी से कम नहीं है। आज जितने योगासन उन्हें स्वामी रामदेव ने वहां पर कराए हैं, मुझे लग रहा है सर कि थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, अभी जकड़न ओकड़न शरीर में थी तो कुछ दिन तक याद रहेगा कि हाँ एक दिन मैंने योग किया था, अगर वो रेगुलर नहीं होते तो। नहीं, उसमें क्या है कि जब भी आप शुरुआत करते हैं, कई लोग जैसे जिम भी जाते हैं, आपने जॉगिंग या दौड़ भी शुरू किया, या आप नया नया अभ्यास शुरू करते हैं योग का, तो थोड़ा सा 5-7 दिन तक थोड़ा सा स्ट्रेन रहता है, थोड़ा सा खिंचाव, थोड़ा सा हल्का सा दर्द रह सकता है, उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना पानी पियेंगे अपने आप सब कुछ चला जाएगा। और हर एक दिन जैसे जैसे आप अभ्यास में आगे प्रगति करते हैं, आपका दर्द बिल्कुल नॉर्मल। यतेंद्र जी, हंसने वाला कुछ ऐसा योग कर लें जिससे मन को शांति मिल जाए, क्योंकि हम सब तो यहाँ पर खुश है, लेकिन हो सकता है कि बहुत से ऐसे दर्शक हो जो किसी स्ट्रेस को झेल रहे हो या फिर अभी खुश ना हो, तनाव में हो, और न्यूज़ नेशन देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाए योग के जरिए। बिल्कुल, मिलकर करते हैं, सभी लोग खड़े हो जाते हैं, अचानक से हंसते हैं या फिर सारे लोग खड़े हो जाते हैं, बाबा रामदेव जी को देखकर उन्हीं की तरह करना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें ये डांसिंग होगा, डांसिंग वार्म अप हो गया, ये बॉडी की ट्विस्टिंग साइड्स का फैट आपका खत्म कर देता है। अच्छा। और बहुत अच्छा वार्म अप हो जाता है। आसनास से पहले आप वार्म अप करते हैं। हाँ। तो बॉडी को हीट अप करना जरूरी होता है जिससे स्ट्रेच आप अच्छे से कर सकें, आपको क्रैम्प ना पड़े, खिंचाव ना पड़े, अगले दिन आप सोरनेस फील ना करें बॉडी के अंदर। तो इसमें कुछ ख्याल रखना होता है, जब आपका हाथ इधर जा रहा है तो बॉडी कहीं और जाने, बॉडी दूसरी तरफ, स्माइल जरूर होनी चाहिए चेहरे पर। मुस्कान एक पॉजिटिविटी का प्रतीक है, सकारात्मक सोच देती है, एक वाइब्स आती है आपसे जी मुस्कान के साथ में। अंदर से कैसे मुस्कान आए, क्योंकि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि देखिए कई बार ना बहुत गंभीर बना दिया जाता है, और खासकर जैसे स्कूल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है अरे योग तो मेरे लिए नहीं है, बड़ों के लिए। बिल्कुल शांत रहना होगा, खामोश रहना होगा, एक अलग सी ध्वनि आएगी, पता नहीं वहां पर कितनी देर। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं, इसको ना देखिए हर एक योगाचार्य की जिम्मेदारी है कि उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाए ना योग को, लेकिन उसका जो मौलिक स्वरूप है वो खोए नहीं। तो हंसना हमारा स्वभाव है। तो अब क्या होता था पहले, एक सर्वे बताता है, बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं आपको, एक सर्वे जो कहता है बच्चे 300 से 400 बार हंस लेते हैं, बड़े होते होते जब कॉलेज में आ जाते हैं बच्चे, वही बहुत सारी फ्यूचर की जिम्मेदारी से 16 टू 17 टाइम्स, और शादीशुदा लोग भूल जाते हैं कि वो लास्ट टाइम हंसे कब थे। इसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल कॉर्पोरेट्स में भी हम कराते हैं। एक दो चीज मैं बताता हूँ आप, जितना आपके पास समय हो। तो होता क्या है, फेक इट एंड मेक इट, कई बार क्या करते हैं हम थोड़ा सा नकली सा करते हैं और स्पॉन्टेनियस वो नेचुरल हंसी में बदल जाता है, और आपका बॉडी के एक एक सेल्स उससे जो है लाफ्टर के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो सुबह सुबह देखते हैं, आपने देखा लगता है अचानक से आवाज, इतना सुबह कौन खुश रह सकता है बोला। और ये केवल ना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कार्डियो मस्कुलर एक्सरसाइज है। अच्छा, लंग्स आपका हार्ट वो बहुत टोन होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, आपको स्ट्रेंथ मिलती है, सांस लेने में आपको सुविधा मिलती है, दीर्घायु होते हैं आप। सो दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए। पहले प्रिपरेशन ऑफ लाफ्टर में हम क्या करते हैं कि सांस लेंगे, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व है, सांस लेंगे और फिर धीरे धीरे ऐसे बिना दांत दिखाए हुए हंसना है इस तरह। सांस भरे, दांत क्यों नहीं दिखा सकते, उससे और हंसी आती है वास्तव में। सबीना को अगर दांत दिखाना इसकी इजाजत है, चलिए गंभीरता के साथ करूंगी। नहीं, बिल्कुल खुलकर हंसी, आपको बहुत ज्यादा गंभीरता की आवश्यकता नहीं है, ये तो प्रिपरेशन है। सांस एक बार और भरे, वन मोर टाइम। तो आपने देखा होगा कि हम फेक
से शुरू किया हमने और अब आपके चेहरे पर नेचुरल हंसी है ना। और फिर उसके बाद और अगर कहते हैं, आप कई बार हमने कहा ना कि दांत नहीं दिखाना है, तो उस समय आपको बड़ा दांत दिखाने का मन करता है क्योंकि बल्कि एकदम से निकल जाता है, तो उसके लिए फिर हम कहते हैं आप रोकिए मत, इस तरह खुलकर हंसिए। इस तरह से दो बार पांच बार जितना भी आप कर सके, सो यू कैन सेलिब्रेट दैट। हमारे जो दर्शक अभी अभी आए हैं हमारे साथ, उनको हंसने का पूरा पूरा मौका मिल रहा है। खुलकर हंसिए, बिल्कुल योग गंभीरता से करिए और इसी गंभीरता में आप देखेंगे कि जिस तरह से हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई है, पता नहीं हंसने हुए कितना वक्त हो गया। और खबरें भी कुछ इस तरह की आती है कि हंसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन असल जिंदगी में हंसना मुस्कुराना बेहद जरूरी है अक्षय, मुझे तो यही लगता है। और मुझे लगता है कि इंसान इकलौता जीव होता है धरती पर जो हंस सकता है, तो उसका पूरा फायदा उठाइए। हंसने में कोई GST कोई टैक्स नहीं लगता है, खुलकर हंसे दिन की शुरुआत तो इसी से करनी चाहिए। अब यतेंद्र जी, आपसे मैं कुछ पूछूं उससे पहले, ये चार तस्वीरें हमारे दर्शकों को हम दिखा देते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर है, कमोबेश एक सा ही नजारा आपको नजर आएगा। योग दिवस के प्रति हिंदुस्तान की दीवानगी आप इसे कहिए या हिंदुस्तान की खुशी कहिए, हर कोई आज प्रफुल्लित है, खुशी से झूम रहा है और योग करते हुए ये वादा खुद से कर रहा है और हिंदुस्तान से कर रहा है कि स्वस्थ रहेंगे मस्त रहेंगे। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी देहरादून से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देहरादून में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। सुरेंद्र, आप भी आज से ये तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में रोज योग करना है, रिपोर्टिंग के अलावा टाइम निकालना है? तो चलिए दोबारा से सुरेंद्र के पास यहाँ पर चलेंगे और ये सवाल दोबारा से जरूर पूछेंगे। और क्या पता हमारे तमाम संवाददाताओं ने सुबह से योग शुरू भी कर दिया हो, क्योंकि आज इसकी कवरेज उसी एनर्जी के साथ और जोश खरोश के साथ करनी है, और उसके लिए योग करने से बेहतर शुरुआत यहाँ पर क्या हो सकती है। तो न्यूज नेशन पर सबसे बड़ी कवरेज अक्षय जारी, और आज मकसद हमारा यही है कि आज का दिन इतना खास बन जाए न्यूज नेशन के दर्शकों के लिए कि वो हंसना सीख जाए, योग को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपना ले। बिल्कुल, और योग सिर्फ आज के लिए नहीं बना है, एक बार फिर से याद रखिए, योग के लिए कोई एक खास दिन हो ही नहीं सकता है, हर दिन योग से जुड़ा हुआ है, हर दिन योग से ऐसे जुड़ जाता है क्योंकि योग आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों की नगरी है लखनऊ, वहां पर योग को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी ने, आप भी देखिए। पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां राजधानी लखनऊ में शुरू हो गई हैं, तमाम योग करने वाले राजभवन के इसी ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। 1700 लोगों को यहां योग करना है, जहां तमाम विभागों से या तमाम स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं जो आज योग में पार्टिसिपेट करेंगे। योग की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक समेत प्रदेश के तमाम मंत्री यहां मौजूद रहेंगे जो आज योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला किया था कि तमाम जो है जनपदों में और उसके साथ तहसील स्तर तक तमाम जगहों पर योग का आयोजन कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग योग में भाग ले सकें, योग में पार्टिसिपेट कर सके। तो बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की कि तमाम जो योग करने वाले लोग हैं उनको साथ एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करके एक संदेश दिया जाए कि योग स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग को लेकर कई निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को दिए थे कि किस तरह से योग को बढ़ावा दिया जाए। तो आज राजभवन के ग्राउंड में अगर बात करें तो 1700 लोग योग करेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ से उड़ने समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ की तस्वीर आपने देख ली है, देश की राजधानी दिल्ली में क्या हाल है हमारे साथ सैयद आमिर हुसैन जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि दिल्ली में कितनी दीवानगी देखने को मिल रही है। और सुरेंद्र डसीला का भी हम रुख करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ देहरादून में है। लेकिन यतेंद्र जी, उससे पहले स्टूडियो में मैं इसलिए आना चाह रहा हूं क्योंकि हमने सभी ने दिखाया कि कौन कौन से इजी योग हैं, हम सबने कर भी लिए। और ये लाफ्टर योग का असर देखिए अभी तक सवीना के चेहरे पर नजर आ रहा है कि वो अभी भी हंस रही हैं। इससे अच्छी शुरुआत दिन की नहीं हो सकती किसी के लिए भी। लेकिन यतेंद्र जी, थोड़ा दर्शकों को बताइए कि ये जो छोटी छोटी शुरुआत है, वो जब परफेक्शन की बात होती है तो कहां तक पहुंचती है एक ऐसा योग जो परफेक्शन के जरिए ही किया जा सकता है, और उसके फायदे भी बताइए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक संतुलन आसन है, बैलेंसिंग पोज। हाँ। आपको क्या करना होता है उसमें, अष्टावक्रासन। हाँ।
बहुत सुंदर, ये तो बैलेंस के साथ। मांसपेशियों को मजबूत करने वाला, हाँ, हाथों की, भुजाओं की, स्टमक की, आपके बैक की, जितने भी एक्सेस फैट है हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको खत्म करता है, लचीला बनाता है बॉडी को, और इंटरनल ऑर्गन्स जो स्टमक से रिलेटेड आपके ऑर्गन्स है अंदर के, उनको मजबूत देता है, मजबूती देता है। कितना वक्त लग जाता होगा यहाँ तक पहुँचने में? आपका नियमित अभ्यास अगर आप करते हैं तो 2 वर्ष का समय आपको लगभग लग जाता है। यानी उससे पहले आप ट्राई कर रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपके पास प्रॉपर ट्रेनर मौजूद हो, योगाचार्य मौजूद हो, तब आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपको इससे नुकसान नहीं होगा। और 2 साल बाद फिर आप इसी तरह से शुरुआत करते हो। अब आपको सहारनपुर की अनोखी तस्वीर दिखाते हैं कि इंसानों को तो आपने योग करते हुए देखा है, किस तरीके से घोड़े भी योग कर रहे हैं। और ये बताने की कोशिश है कि योग हर किसी के लिए बेहतरीन है, घोड़ों पर योगासन भी हो रहा है। सहारनपुर और लोहितपुर दो जगह से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर योग के साथ साथ जानवरों को भी ऐड किया जा रहा है। आचार्य जी क्या कहेंगे आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर, आपकी भी प्रतिक्रिया? हाँ नहीं, अच्छा है। देखिए, योग वास्तव में हमें जोड़ना और जोड़ना सिखाता है प्रकृति से, और अगर कोई पशु इस तरह से इंसान के साथ एक ही मुद्रा में थोड़ी देर तक स्थिर रह सकता है, एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये हम लगातार तस्वीरें तो पहुंचा ही रहे हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से आमिर हैं हमारे साथ, और सुरेंद्र डसीला हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, वहीं रविकांत सुबह से ही रांची में क्या कुछ चल रहा है जहां सबकी निगाहें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, कुछ मिनटों का वक्त रह चुका है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आमिर, सबसे पहले आपके करीब आते हैं, देश की राजधानी दिल्ली, वहां पर योग को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि लग रहा है आज आपने भी 2-4 योगासन करने की तैयारी कर रखी है। बताओ कि जो सुबह उठा हुआ है तो उसके बाद पहले मैंने थोड़ा सा योग किया, उसके बाद मैं वहां से घर से निकला, क्योंकि यहां पर तो आप लाइव रिपोर्टिंग करेंगे, योग कैसे कर पाएंगे। लेकिन तस्वीरों में आपको दिखा दें, 3,000 से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं राजपथ पर, और राजनाथ सिंह खुद यहां पर आ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर, और जिस तरह से माहौल पूरा दिल्ली में बना हुआ है, आपको बताएं कि 300 सांसदों को यहां पर लगाया गया है अलग अलग इलाकों में, करीब 41 जगहों पर केंद्रीय मंत्री तमाम लोग वहां पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योग जो है, जिस तरह से योग केवल ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में इसने ख्याति प्राप्त की है, वो आज तस्वीरों में पूरे भारत में दिखाई देगा, ना सिर्फ दिल्ली में, पूरे भारत में दिखाई देगा। तो अलग अलग जगहों पे मंत्रियों को डिप्यूट किया गया है बाकायदा कि वो वहां पर जाए और उस क्षेत्र में योग करें। योग से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, योग से आप बलवान बनते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बताती है कि भारत एकजुट है और योग के लिए। बिल्कुल, भारत एकजुट है, और आज शानदार तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रही हैं। दोबारा आपकी तरफ रुख करेंगे। सुरेंद्र डसीला हमारे संवाददाता इस वक्त देहरादून में मौजूद है। सुरेंद्र, हम जानना चाहेंगे, आपकी शुरुआत भी सईद आमिर जैसी ही हुई, क्योंकि उन्होंने अपने सुबह की शुरुआत योग से की, अभी आप योग करेंगे या फिर करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए करीब 4,000 योग साधक हैं, उनके बीच में हम भी योग करेंगे। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य पंडाल है, पेवेलियन फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके साथ टिहरी सांसद, आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, ये लोग मौजूद रहेंगे। पिछली बार की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री देहरादून में थे और देहरादून से पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बड़ा संदेश उन्होंने दिया था। 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और पूरी तैयारियाँ जोर शोर से की गई हैं। जो प्रोफेशनल योग साधक हैं वो मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे, वो आसन करेंगे और उसी का अनुसरण मुख्यमंत्री और अन्य जो गणमान्य है वो लोग करेंगे। ये पूरा पंडाल 4,000 लोगों के लिए क्षमता है। अगर पीछे की ओर मेरे वीजे आपको दिखाएंगे तो आप देखिए किस तरह से सुबह 4 बजे से ही जो योग साधक हैं उनका आना शुरू हो चुका है, और ये आप देखिए पूरी जो पूरा पंडाल जहाँ व्यवस्था बनाई गई थी, क्योंकि बारिश लगातार उत्तराखंड में हो रही है और इसलिए वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं, रेनप्रूफ टेंट लगाए गए हैं, और लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें कई ऐसे योग साधक हैं जो कई सालों से योग करते आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो आज से अपने योग की शुरुआत करेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर अपनी योगा अपनी दिनचर्या में शामिल कर चुके हैं, क्योंकि योग आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही तौर पर फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि 4 बजे अगर देवभूमि में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो हाँ। पहाड़ों में अगर 4 बजे लोग पहुँच रहे तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने योग के लिए समर्पित हैं। और ऐसी कई तस्वीरें हम आपको देहरादून से दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री पहुँचेंगे 7 बजे के करीब। 1 घंटा ये लोग मुख्यमंत्री के साथ ये यहाँ पर देहरादून में योग करेंगे। जब आयुष्मान हिंदुस्तान की बात होती है तो योग जरूरी हो जाता है, क्योंकि निरोग रहना है तो योग करते रहना है। और सुरेंद्र डसीला, आप भी खड़े खड़े कम से कम हाथ से आसन इस्तेमाल करते रहिए, चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ रहिए। ये आसन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। हिमांशु भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं और रवि का रुख करेंगे। रवि, मुझे ऐसा लग रहा है हाथ से आसन का आपने बखूबी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रखी है। बिल्कुल अक्षय, और हम लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि वो भी योग करें, फिट रहें। लेकिन इस वक्त आज पूरी दुनिया में योग हो रहा है, लेकिन निगाहें जो है रांची के प्रभात तारा मैदान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि योग को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुँचने वाले हैं। अक्षय, सबसे अहम जानकारी ये है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक यहाँ पर आ चुके हैं, प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि 4 बजे से हम यहां पर मौजूद हैं प्रभात तारा मैदान में, और उससे पहले जो लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, योग को जानना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, 3 बजे से इस मैदान में पहुंचने लगे थे। इस मैदान की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 40,000 लोग इस मैदान में आ सकते हैं और वो प्रधानमंत्री के साथ योग करने वाले हैं। तो एक ऐतिहासिक लम्हा है और लोग जुड़ने वाले हैं और लोगों के मन में उत्साह है। अक्षय, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए हैं, उनसे जब हमने बातचीत की। बिल्कुल, आप अपनी बात कंप्लीट करें, छोटे बच्चे क्या कहते हैं ये सुनना मैं भी चाहूंगा और दर्शक भी वो सुनना जरूर चाहेंगे। अक्षय, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए हैं और जो कार्टून के करेक्टर हैं मोटू और पतलू, उनके माध्यम से छोटे छोटे बच्चे ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब योग करते हैं तो उस योग को देखकर उनके मन में एक ऊर्जा है, और प्रधानमंत्री जैसे जैसे योग करेंगे वैसे वैसे वो छोटे बच्चे भी यहाँ पर योग करेंगे। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं और वो बच्चे यहाँ पर योग कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास क्या बड़े क्या बुजुर्ग, सबसे खास तस्वीर रांची से यहां से सामने आएगी। और जैसा कि आप यहां बता भी रहे हैं कि बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो, पुरुष हो या महिला, हर किसी में आज उत्साह बना हुआ है। गाजियाबाद की तरफ भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, कितना उत्साह, कितना जोश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर नजर आ रहा है लोगों में? और बिल्कुल देखिए, उत्साह और जोश तस्वीरें देखकर आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो ग्राउंड है गाजियाबाद का कवीनगर रामलीला ग्राउंड पूरी तरह से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं योग साधक यहाँ पर पहुंच चुके हैं हजारों की संख्या में, अब ग्राउंड में जगह भी नहीं बची है। और आपको मैं तस्वीरों में भी दिखाना चाहूंगा, जो गाजियाबाद से सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री वी के सिंह जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं योग करने के लिए। गाजियाबाद के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी आगे कतार में हैं, और वी के सिंह जी से हम यहाँ बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर और उनसे जानेंगे क्या मैसेज आज के दिन देना चाहेंगे। सर, ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है, योग ऐसी क्रिया है, ऐसी पद्धति है, ऐसी आध्यात्मिक और शारीरिक इसकी खासियत है जिससे शरीर और मन दोनों ठीक रहते हैं, और इसीलिए सब जगह इसको अपनाया जा रहा है। इसके 3 हिस्से हैं, एक आप शरीर को ठीक रखते हैं, दूसरा आप शरीर के अंदर के हिस्से को ठीक रखते हैं प्राणायाम से, और तीसरा आप अपने मन को अच्छी तरह से रखते हैं मेडिटेशन कर। सर, आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, आप सर रोजाना योग करते हैं क्या? एक सवाल। मैं रोजाना या करता हूँ? रोज करते हैं सर। जो लोग सर नहीं करते हैं योग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वो जुड़ें योग से, क्योंकि योग ऐसी साधना है जो खुश रखें? अच्छी बात। तो ये थे हमारे साथ वीके सिंह जी, जो कह रहे हैं कि वो खुद रोज प्रणाम करते हैं और लोगों के लिए भी यही मैसेज कर रहे हैं कि सभी लोग योग से जुड़ें, क्योंकि योग तन मन सबको खुश रखता है और जीवन में खुशहाली लाता है। और 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गाजियाबाद में बड़े ही धूमधाम से इस समय मनाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद यहाँ पर योग की जो क्रीड़ा है वो शुरू हो जाएंगी। जी बिल्कुल हिमांशु, हम आपके करीब फिर से लौटेंगे। हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं, हर तस्वीर न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से योग दिवस हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है। लेकिन
स्टूडियो में हमारे योगाचार्य जब हमारे साथ मौजूद हैं तो हम आपके सवालों के जवाब उनसे भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है युवा अवस्था में बालों का झड़ना, और मुझ जैसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई इसका सोल्यूशन आप जल्दी से जल्दी बताएं कि इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि देखिए, योग जो है ना केवल एक व्यायाम नहीं है, एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। इसलिए अष्टांग योग की जब बात आती है तो महर्षि पतंजलि पूरे लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, जिसमें है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धन ध्यान और समाधि। तो उसमें क्या है कि हमें खाने पीने का भी ख्याल रखना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट मिले बॉडी को माइंड को, उसके लिए हम ध्यान और जो प्रॉपर रेस्ट स्लीप है वो लें, पानी प्रॉपर पिए। कई लोग पानी नहीं पीते, उसके कारण से भी बहुत सारी समस्या होती है। फिर प्रदूषण बहुत है, तो प्रदूषण से बचने के लिए एकमात्र उपाय जो आज के दिन में मुझे दिखता है, जितने भी खाने में मिलावट है, बाहर प्रदूषण है, सब स्ट्रेसफुल लाइफ स्टाइल है, नींद लोग ठीक से नहीं ले पा रहे, और उस सबका एक हल है योग और अध्यात्म से जुड़ना। क्योंकि आपकी इंडिविजुअल लाइफ है, आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते, आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, दुनिया वैसे ही रहने वाली है, लेकिन खुद को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि आप इम्यून हो सके बाहर की विपरीत परिस्थितियों को अडॉप्ट करने के लिए और उसको फेस करने के लिए। तो आसन के साथ साथ आसन हो गया, प्राणायाम, प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। कई बार लगता है ना कि कुछ लोग ना जिम का सब्स्टिट्यूट समझते हैं योगासन को या योग को, पूरा कसरत कर लिया सब कुछ हो गया, ना वो प्राणायाम करते हैं ना ध्यान करते हैं। यही कारण है कि आपको एक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जिस तरह WHO का रिपोर्ट बताता है कि 50% से ज्यादा डॉक्टर्स खुद स्ट्रेस में है। क्योंकि वो टेक्निकली परफेक्ट है लेकिन मेंटली इमोशनली कैसे उसे बैलेंस किया जाए, वो ध्यान और अध्यात्म से दूर है। और वही हाल कम ओबेस योग शिक्षकों का भी है, आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जो लोग केवल शरीर तक ही सीमित रह गए, केवल उन्होंने आसना पर ही फोकस किया, प्राणायाम ध्यान और आध्यात्मिक विधियों से दूर हो गए, वो खुद ही अपनी स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे। और एक व्यक्ति खुद ही जब आनंदित नहीं है, दूसरे को आनंद कैसे दे सकता है, दूसरे को खुशी कैसे दे सकता है। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, गीता को आप अलग नहीं कर सकते योग से, जहाँ पे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की बात की गई है, वहाँ एक्चुअली हम लाइफ स्टाइल को कैसे मैनेज करें, कैसे डील करें। तो ऐसा कहते हैं ना, जैसे जर में पानी डालने से पूरा पेड़ नर बिल्कुल और गहराई से। सर, आपसे यहाँ पर जरूर समझेंगे, हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ में मौजूद है, लेकिन बहुत जल्द यतेंद्र आपसे बहुत गंभीरता के साथ, हालांकि इसे लोग मजाकिया तौर पर लेते हैं, जब भी किसी को योग नहीं करना होता तो कहते हैं हमारा तो जो सबसे पसंदीदा योग है वो शवासन है, लेकिन मैं इसकी गंभीरता से फायदे जानना चाहती हूँ ताकि जो लोग इसे मजाकिया तौर पर लेते हैं वो समझ सके कि ये भी योग का एक अहम हिस्सा है, उसके फायदे क्या होते हैं। देखिए, शवासन सभी लोग करना चाहते हैं, रेस्ट कोई नहीं करना, कौन नहीं करना चाहेगा। प्रत्येक व्यक्ति, जब भी मैं क्लास लेता हूँ कहीं पे भी लेता हूँ तो सर शवासन करा दीजिए, ठीक है, मैंने अच्छा बोला पहले आसन मतलब नहीं करने, बिल्कुल होता है, डेली होता है, डेली मेरे से बोलते हैं सर शवासन करवा दीजिए आप, क्योंकि मेंटल पीस सबसे ज़्यादा शवासन से मिलता है। हम लोग इस ऐसे समाज में रह रहे हैं कि हर नुक्कड़ पे आप जैसे ही निकलते हैं घर से बाहर तो इस तरीके की विपरीत परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं, आप उसका सामना नहीं कर पाते हो, आप एकदम क्रोधित हो जाते हो, वहाँ पर हम आपा खो देते हैं अपना। तो शवासन एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। शवासन के अंदर हम एक योग निद्रा का प्रयास करते हैं जो कि योगी लोग किया करते हैं, लेकिन उस मुद्रा में रहना भी बहुत कम लोग जानते हैं, उन्हें लगता है बस लेट गए और शवासन हो गया। हम जानना चाहेंगे किस तरह से हाथों की मुद्रा होनी चाहिए, पैरों का क्या, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप सीधे लेट जाते हैं, बिल्कुल आपके करीब आते हैं सर, उससे पहले ये बेंगलुरु और महाराष्ट्र की तस्वीर हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक तरफ नांदेड़ में आप देखिए स्वामी रामदेव आपको योग करते नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ बेंगलुरु में आप देखिए कि योग का क्या असर हुआ है, छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे, उनके साथ उनकी माताएं भी बैठी हुई हैं, और ये बताने के लिए काफी है कि योग को लेकर बीते कुछ सालों में लोग कितने जागरूक हुए हैं, बचपन से ही अब योग को अपने जीवन में वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश। कितनी खुशी है चेहरों पर, कितना मतलब कितने मस्ती से वो लोग योग को कर रहे हैं, मतलब गंभीरता भी है लेकिन उसी के साथ साथ एक दूसरे के साथ जिस तरह से योग यहाँ पर कर रहे हैं बच्चे महिलाएं, वो बता रहे हैं कि वो यहाँ पर इस पल को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और यही विश्व योग दिवस की खासियत है कि ऐसी तमाम तस्वीरें देखने को मिलती हैं, क्योंकि कई लोग प्रण लेकर आते हैं कि आज से योग शुरू कर रहे हैं, और यही आपको भी करना है, योग को जीवन का एक हिस्सा बनाइए ताकि आप निरोगी रह सकें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, आयुष्मान हिंदुस्तान का जो सपना है वो सपना पूरा हो सके।
हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस शवासन का जिक्र मेरी सहयोगी सबीना कर रही थी, जिसमें इंटरेस्ट सबीना का काफी हद तक है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को आराम देता है, और गंभीरता के बारे में आपको बता दिया है। यतेंद्र जी हमारे योगाचार्य हैं, इससे करने के लिए कोई प्रॉपर बात है जो ख्याल रखने की या कुछ पोज? जी मैं आपको बता देता हूँ। शवासन सबसे पहले नाम से ही विदित होता है कि शव के समान आसन, एक ऐसी स्थिति जो शव के समान हो, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई शारीरिक हलचल ना हो, किसी प्रकार की कोई चंचलता ना हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग लेट जाएं बिल्कुल, आपके पूरा एक एक शरीर का अंग एकदम शिथिल, बिना किसी हलचल के टोज आउट, हथेलियों का मुख आकाश की ओर, शरीर कसा हुआ ना हो, एकदम ढीला, गर्दन किसी भी एक तरफ, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ, एकदम शिथिल अवस्था। इस स्थिति में कुछ देर रहने के पश्चात हम लोग धीरे धीरे योग निद्रा की तरफ लेकर चलते हैं। योग निद्रा एक ऐसा अभ्यास जो हमारे मोदी जी करते हैं और बहुत ही कम समय में अपनी नींद को पूरी कर लिया करते हैं।